सुप्रभात, आप सभी को रोमिला देवी का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, मैं आप लोगों के सामने आज हिंदी विषय लेकर आई हूँ। हम आज पढ़ेंगे रिमझिम भाग चार का पाठ संख्या 12। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप लोग देखिए। बच्चों, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए दो चित्र रखा हुआ है, आप इन्हें पहचानने की कोशिश करें। पहला चित्र देखिए ध्यान से, दूसरा चित्र देखिए ध्यान से। यहाँ पे आप लोगों को दो चित्र दिख रही होगी, आप कोशिश करिए। आप लोगों ने इसे कभी देखा है? आप पहचानते हो? आप जानते हो इन लोगों को कहीं पे देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है तो मैं बताती हूँ। पहले चित्र में है ये जो महिला, इसका नाम है दीपा मलिक। ये महिला हमारे भारत देश को पैरा ओलंपिक में रजत पदक दिलाई थी। इन्होंने शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता था बच्चों। और ये महिला कहाँ पे बैठी है ध्यान से देखिए बच्चों, क्या में बैठी है? कुर्सी में। ये महिला जो है हम लोगों के जैसे नहीं है, ये जो है एक दिव्यांग महिला है, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद भी इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और ये जो है अपने देश को खेल में 2016 में रजत पदक दिलाई। तो बच्चों देखिए, आप ये जो दूसरा चित्र दिख रहा है, इसमें ये चित्र में श्री रविंद्र जैन जी है, एक भारतीय संगीतकार, गीतकार और गायक। कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बच्चों, आप लोग दूरदर्शन में जो रामायण सीरियल आती थी, आप लोगों ने सुना, देखा उसे, उसमें जितने भी गीत थे इन्हीं के द्वारा गाए भी गए थे और निर्देशन भी किए गए थे। बच्चों, अभी हम लोगों ने दो लोगों के बारे में जाना और समझा कि शरीर से सक्षम ना होते हुए भी इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते ही गए और अपने देश का भी नाम रोशन किया, साथ साथ उन लोगों को भी एक प्रेरणा दी जो ऐसे होते हैं, उन्हें हार नहीं माननी चाहिए और अपने कार्य की ओर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। इसी से संबंधित आज हमारा पाठ है, हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सुनीता की पहिया कुर्सी, और देखते हैं इस पाठ में वो बच्ची क्या करती है। बच्चे चलिए, आप पाठ नंबर 12 के पेज नंबर 97 खोलिए और हम साथ साथ पढ़ते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी, कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक पड़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा सुनीता सुबह
बिस्तर से जल्दी उठ जाती है और आज वो बहुत खुश है। क्यों खुश है बच्चों, पता है आप लोगों को? इसलिए कि वो आज कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है। पता है ना बाजार, बाजार में क्या मिलता है? बहुत तरह के सामान मिलते हैं, हमें जो चाहिए सब मिलता है वहां पे। आज वो बाजार जा रही है और उठी वो अपने आप को बिस्तर से अपने पहिया कुर्सी पर। सुनीता एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए क्या इस्तेमाल करती थी बच्चों? पहिया कुर्सी का। उसमें बैठी, नहा धोई और बाजार के लिए वो तैयार हो गई। तो बच्चों देखते हैं हम इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, जिसको मैंने पहले से ही रेखांकित करके रखा हुआ है और जानते हैं हम इसका अर्थ। यहाँ देखिए, आंखों में चमक, यह एक मुहावरा है बच्चों, आंखों में चमक आना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। बाजार, हम प्राय यहाँ पे क्या बोलते हैं? बाजार, बाजार, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? बाजार। बाजार वो जगह होती है, वो स्थान होती है बच्चों, जहां हमें सब तरह की चीजें मिलती है। फिर देखिए यहाँ पे सहारा, सहारा का अर्थ होता है बच्चों मदद। सुनीता क्या करी? बिस्तर का सहारा लेके अपने पहिया कुर्सी पे बैठी। हम चलते चलते कोई सामान अगर बोझा हो जाता है, नहीं सकते, तो हम सहारा लेते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? सहारा लेना, मदद लेना। यहाँ देखिए कठिन, कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। कोई चीज बहुत बहुत बोझा है, अब हम उठा नहीं पा रहे, क्या हमें जो है मुश्किल हो रहा है उठाने के लिए, वो कठिन, कठिन का अर्थ है मुश्किल। स्वयं, स्वयं बोलते हैं खुद, स्वयं करना, अपना काम स्वयं करो, बोलते हैं ना घर में मम्मी पापा बोलते हैं ना, खुद कर, क्यों नहीं करते? खुद, स्वयं का अर्थ होता है बच्चों स्वयं या खुद करना। तरीके, कोई भी काम करने का कुछ कभी कुछ नियम होता है, कुछ तरीका होता है, यहाँ पे तरीके का अर्थ है नियम। हमें सुबह समय पे उठना है, समय पे तैयार होना है, समय पे भोजन खाना है, इसे हम क्या कहेंगे? तरीका। रोजाना, रोजाना एक उर्दू शब्द है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिदिन। रोजाना का अर्थ क्या हो बच्चों? प्रतिदिन। तो बच्चों चलिए हम अगले पृष्ठ की ओर चलते। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए, अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है, क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई, वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। बच्चों सुनीता बाजार जाने के लिए तैयार हो गई थी, अब वो नाश्ता करने के लिए आई तो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे जरा अचार दे देना। तो माँ कहती है उनसे कि जा अचार अलमारी में रखा है, ले ले। सुनीता जो है ना बच्चों, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कैसे जाती थी पता है ना आप लोगों को? वो पहिया कुर्सी में जाती थी, क्योंकि सुनीता एक दिव्यांग बच्ची थी, वो चल फिर नहीं सकती थी, तो वो अपनी पहिया कुर्सी का में बैठ करके वो जाती है अलमारी से अचार लेती है और नाश्ता करती है। नाश्ता करते करते अपनी माँ से कहती है, पूछती है कि आज मुझे क्या लाना है माँ बाजार से? तो माँ कहती है 1 किलो चीनी। सुनीता
बहुत खुश थी। क्यों? आज वो बाजार अकेले जा रही थी। सुनीता जो है बाहर जाती है, उसे सड़क की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, उसे बहुत खुशी मिलती है देख करके, क्योंकि वो घर में हमेशा अकेले रहती है, वो बाहर नहीं जाती है। आज वो बाहर निकली है, बाहर में वो देखती है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, वो कूदते हैं, गेंद खेलते हैं। उन्हें देख करके सुनीता बहुत ही खुश हो जाती है, फिर बाद में उदास हो जाती है, क्योंकि वो खुद वो नहीं खेल पाती है। उसके बाद खेल के मैदान में एक बच्ची दिखती है, दोनों सुनीता और वो बच्ची आपस में एक दूसरे को टुकुर टुकुर करके देखने लगते हैं। टुकुर टुकुर मतलब क्या है बच्चों? एक दूसरे को एकटक देखते हैं। वो बच्ची क्या सोच के सुनीता को ऐसे देखती है, सुनीता भी उसे वैसे ही देखती है। तो बच्चों इसमें कुछ कठिन शब्द है, तो इसका अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए नाश्ता। जो भोजन हम सवेरे करते हैं उसे हम नाश्ता कहते हैं, इसे इंग्लिश में अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं। रसोई घर, बच्चों वह जगह जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, घर का वह स्थान जहाँ पे हम खाना बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रसोई घर। जवाब, जवाब बोलने से आप लोगों को पता है ना, हम क्लास में जब टेस्ट होती है हमारा, टीचर क्या देती है आप लोगों को? प्रश्न देती है, उसका आप क्या देते हैं? उत्तर। जवाब का अर्थ क्या होता है बच्चों? उत्तर। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, या मुस्कुराने का अर्थ है वह बहुत खुश थी। क्यों खुश थी वो? आज वो अकेले बाजार जा रही थी। पहिया कुर्सी, पहिया कुर्सी का अर्थ यहाँ समझिए, सुनीता एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जिस कुर्सी का इस्तेमाल करती थी, उस कुर्सी में पहिया लगा होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाए। तो बच्चों सुनीता जो है पहिया कुर्सी का, यहाँ चित्र में भी देखिए पहिया कुर्सी दिखाया है, सुनीता अपना पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। उदास, सब बच्चे खेल रहे, उसे देख के सुनीता उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। उदास का अर्थ क्या होता है? दुख। टुकुर टुकुर, एक तक देखना, एक दूसरे को एक तक बिना आंख छपकाए देखना, उसे हम क्या कहते हैं? टुकुर टुकुर। तो बच्चे चलिए हम चलते अपने अगले पृष्ठ में। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा, उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था, सुनीता को सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। बच्चों इसमें क्या देखते हैं हम लोगों ने? सुनीता जो है बाजार जा रही है, तो रास्ते में देखती है कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उसमें एक बच्चा है जिसको सब लोग क्या बोल के छेड़ रहे? छोटू छोटू। क्यों ऐसे बोल रहे हैं बच्चों? वो बाकी बच्चों के हिसाब से, बाकी बच्चों की तुलना में वो बच्चा का कद जो है थोड़ा कम था, इसीलिए लोग बाकी बच्चे उसे क्या कह रहे थे? छोटू। यह बात सुनीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि ऐसे क्यों छेड़ रहे हैं, कोई किसी को क्यों तंग कर रहा है। सुनीता रास्ते में कई लोगों को देखती है, कुछ लोग उसे देख के मुस्कुराते हैं। पहले तो सुनीता मन ही मन खुश हो जाती है, बाद में सोचती है कि ये सब लोग क्यों भला मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी बच्ची जो उससे पहले मिलती थी, छोटी बच्ची, वो बच्ची उसको दोबारा दिखती है। कहाँ पे दिखती है? एक कपड़े के दुकान में। उसकी माँ कपड़े ले रही है, वो बच्ची वहां है।
वो बच्ची आके बड़े जिज्ञासा से पूछती है, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? क्या पूछती है बच्चों? तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? किसको दिखाकर? सुनीता की पहिया कुर्सी को दिखाकर वो पूछती है। उस लड़की ने सुनीता से पूछा, यह तो बस। सुनीता ने जैसे ही जवाब देने की कोशिश की, वैसे ही उस बच्ची की माँ उसे आती है और उसे डांटते हुए गुस्से होकर ले जाती है, दूर हटा लेती है। यहाँ पे देखिए बच्चों, चिढ़ा, ये शब्द है चिढ़ा। चिढ़ाने का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। यहाँ पे चित्र में देखिए, ये बच्चा है जिसको क्या बोल के बाकी बच्चे चिढ़ा रहे हैं, छोटू छोटू। बच्चों यहाँ देखिए लिखा है क्या, दोबारा। दोबारा का अर्थ होता है फिर से। सुनीता जो है वो छोटी बच्ची को दोबारा कहाँ पे देखती है? दुकान पे, कपड़े के दुकान पे। ये यहाँ देखिए दूसरा शब्द है हमारा अजीब। अजीब का अर्थ होता है अनोखा। तो ये देखिए क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनीता जो है कौन से कुर्सी में बैठती है? बच्चों इस कुर्सी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्हील चेयर, या तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं पहिया वाली कुर्सी, पहिया कुर्सी। ये जो देख के बच्ची क्या बोलती है, तुम्हारे पास ये अजीब सा चीज क्या है? वो शायद इसे पहली बार देख रही थी, इसीलिए वह चीज उसे अजीब सी लगी। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों अगले पृष्ठ की ओर। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था, उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है, सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली। पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिये को पहली सीढ़ी पर रखा। जब वो छोटी सी बच्ची सुनीता की पहिया कुर्सी को देख करके उससे ये पूछती है कि यह अजीब सा चीज क्या है, तब उसकी माँ उसे दूर ले जाती है, गुस्से से बोलती है, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सुनीता के मन में यह भाव आता है, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं, और वह दुखी हो जाती है। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अंत में सुनीता बाजार की ओर चले जाती है, बाजार वह पहुंच जाती है और एक दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। अब वो तो अपने पहिया कुर्सी से जा रही थी, अब उसे सीढ़ियों पर चढ़ना है। अचानक से उसे वही लड़का दिखता है जिसे सब बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। तो छोटू आकर के अपने बारे में बताता है सुनीता को, मैं अमित हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपकी पहिया कुर्सी को मैं सीढ़ियों तक ले जा सकता हूँ। तो सुनीता बताती है, मैं सुनीता हूँ, और वो अमित जो है सुनीता को सीढ़ियों तक लेके जाके सीढ़ी पर उसकी पहिया को रख देता है और सुनीता आसान से दुकान के अंदर प्रवेश कर जाती है। बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींचा है, अब हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला जो हमारा शब्द है सवाल, इसका अर्थ है प्रश्न। जब हम जिज्ञासा में किसी से कुछ पूछते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सवाल। दूसरा हमारा शब्द है व्यवहार, व्यवहार का अर्थ होता है हमारा आचरण, हमारा बर्ताव, कैसे हम दूसरे के प्रति पेश होते हैं। हमारा तीसरा शब्द देखिए मुश्किल, मुश्किल का अर्थ है कठिन, कोई काम हम नहीं कर पाते तो उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा मुश्किल है इसे करना। अगला देखिए परिचय, परिचय का अर्थ होता है अपने बारे में बताना,
किसी को कि मैं कौन हूँ, तब जाके आप बोलोगे, वो अपना परिचय दिया। उसके बाद है यहाँ पे देखिए एक मुहावरा आया है, राहत की सांस ली। ये एक मुहावरा है बच्चों, इसका अर्थ है चिंता मुक्त होना। कोई चीज से हम जब तकलीफ में होते हैं और जब वो हमारा समाधान हो जाता है उस चीज का, तो हम क्या करते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम राहत की सांस ली। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले पृष्ठ की ओर। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इसलिए पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। बच्चों यहाँ पर देखिए सुनीता दुकान के अंदर आ जाती है, उसके बाद अमित को वो धन्यवाद बोलती है और दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराता है। सुनीता बोलती है, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। दुकानदार जैसे ही चीनी लाता है, सुनीता हाथ बढ़ाती है चीनी लेने के लिए, लेकिन दुकानदार उसके गोद में रख देता है। तो सुनीता को यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, मैं भी दूसरों की तरह हूँ, मैं भी अपना सामान खुद ले सकती हूँ। बाहर निकल जाते हैं अमित और सुनीता दोनों दुकान से चीनी लेने के बाद, और रास्ते में दोनों बातें करते हैं। लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों सोचते हैं, सुनीता यह प्रश्न अमित से करती है। शायद मेरे पहिया कुर्सी को देखकर ऐसा ही है लगता। तो अमित बोलता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुम जिस पर बैठती हो वो बाकी लोग उस पर नहीं बैठते, वो अलग है, वो भिन्न है। मैं पैरों से चल नहीं सकती, होने से क्या हुआ, लेकिन मैं सारे कार्य आसानी से कर लेती हूँ अपने पहिया कुर्सी के मदद से, तो हम कैसे अलग हुए दूसरे से, अमित ने अपना सिर हिला के कहा। नहीं, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, जैसे तुम भी दूसरे बच्चों से अलग है, मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है धन्यवाद। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कर दे, शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। दूसरा है हमारा खास। सुनीता एक खास तरह की बच्ची थी, मतलब सुनीता एक विशेष बच्ची थी। खास का अर्थ हुआ विशेष। तो बच्चों चलिए हम अपने अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। सुनीता ने कहा, नहीं हम दूसरे बच्चों जैसे ही है। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसे अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा।
सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गए। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उसकी परवाह नहीं थी। बच्चों, जैसे ही दोनों दुकान से निकल के बाहर आते हैं और सुनीता जो है फिर से जो है अमित का शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद बोलती है और दोनों निकल जाते हैं बाहर की ओर। सुनीता को फिर से फरीदा दिखती है, लेकिन अब सुनीता को किसी की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। अमित जो है सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ जाता है। अब दोनों वहां से निकल के चल देते हैं खुशी खुशी। अब हम देखते हैं इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। बच्चों यहाँ देखिए, ये शब्द है पहला हमारा खिसकाई, मतलब होता है सरकाना। कोई चीज को धक्के मार के हम सरकाते हैं ना, खिसकाना बोलते हैं। यहाँ खिसकाई मतलब सरकाना। नजर, नजर का मतलब होता है दृष्टि, लेकिन यहाँ में नजर आने का मतलब दिखाई दी। सुनीता जो है क्या पे सवार होके गई, पहिया कुर्सी पे। सवार मतलब बैठना उसमें, ये है सवार का अर्थ। बच्चों अभी हम लोगों ने पाठ पढ़ा सुनीता की पहिया कुर्सी। पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम लोगों ने साथ साथ समझा। अब हम कुछ चित्रों के माध्यम से कठिन शब्दों के अर्थ पुनः समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, कठिन शब्द है सहारा। यहाँ पे देखिए बच्चा को उसके पिताजी सहारा दे रहे हैं चलने के लिए। उसका अर्थ होता है मदद या सहायता। सहारा का अर्थ होता है मदद या सहायता। फुर्ती, फुर्ती का अर्थ होता है तेजी। तेजी देखिए कैसे दौड़ रही है, तेजी से दौड़ रही है। तीसरा शब्द है हमारा कठिन, उसका अर्थ होता है मुश्किल। कठिन देखिए पर्वत में चढ़ रहा है, कितने कठिनाई से चढ़ रहा है ना, मुश्किल से। चौथा देखिए रोजाना, रोजाना का अर्थ होता है प्रतिदिन। मैंने यहाँ पे क्या दिखाया आपको, एक कैलेंडर का, इसमें क्या रहता है हमारा हर दिन का, प्रतिदिन का, हमारा दिन तारीख समय सब लिखा रहता है। अगला देखिए स्वयं, स्वयं का अर्थ होता है बच्चों खुद। खुद बोलने से अपना काम किसको करना चाहिए, खुद को करना चाहिए, स्वयं को करना चाहिए। यहाँ देखिए हमारा पांचवा शब्द है टुकुर टुकुर। ये बच्चे कैसा देख रहा है, देखो बच्चा देख कैसे रहा है, देखो बच्चों टुकुर टुकुर एकटक देख रहा है। टुकुर टुकुर अर्थ है एकटक देखना। बच्चों देखिए ये एक पहिया कुर्सी का मॉडल है, शायद सुनीता भी इसी तरह इस कुर्सी में बैठती होगी और ऐसे चल के, देखिए ऐसे चलते हुए वो जाती होगी और अपना सारा काम वो खुद करती होगी। बच्चों देखा ना आप लोगों ने पहिया कुर्सी कैसे चलता है। बच्चों अभी हम लोगों ने सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ पढ़ा। अब हम आप लोगों से विदा चाहते हैं और अगली कक्षा में आप लोगों से पुनः हमारा मुलाकात होगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।